नमस्कार दर्शकों, एस्टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका अश्विनी कुमार के साथ। आज हम आए हैं धनेटा में, धनेटा मतलब यहां शीतल मॉडल हाई स्कूल में, जहां पर एनुअल फंक्शन जो है वो चल रहा है। वैसे तो बच्चों को पूरा साल एनुअल फंक्शन का वेट होता है कि वो खुद को अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जो भी टीचर्स होते हैं सबके सामने उनको दिखाना होता है कि हमने पूरा साल कितनी अच्छे से जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रिपेयर करी हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के माता पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन में आपके उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार मैम। मैम, आपको यहाँ पे फंक्शन में आपके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जो बच्चों ने एक्टिविटीज़ की, तो उसमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी? सभी अच्छा ही कर रहे हैं। फिर भी कोई ऐसी हो जो बहुत ही अच्छी लगी हो? गिद्धा बहुत सुंदर लगा मेरे को। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं बेटा, मैंने तो शादी शुदा है, मेरे बच्चे शादी कर दी बच्चों की। अच्छा, उनके आपके पोता? मेरे नो है, दरानी का लड़का है। मैं तो आई हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? कौन सी क्लास में पढ़ती है? फोर्थ में पढ़ती है मेरे हिसाब से। फोर्थ में? अच्छा, तो आपको उनकी परफॉर्मेंस हो गई या होनी अभी? नहीं नहीं, हो गई है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस बहुत अच्छा फंक्शन है, मैसेज हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू। और भी है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? UKG में। UKG में। अच्छा, आपको यहाँ पे फंक्शन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे कौन सी परफॉर्मेंस है जो बच्चों की वो सबसे अच्छी लगी आपको? मुझे पंजाबी गिद्दा बहुत अच्छा लगा। नो, थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, यहाँ पे आपके जो भी हैं बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ जी। कौन सी क्लास में? सिक्स में। सिक्स में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था यहाँ पे? अभी तो उनका फंक्शन हुआ नहीं, अभी आना है प्रोग्राम उसकी बेटी का। तो फिर भी उन्होंने क्या मतलब प्रिपरेशन गिद्दा किया है, और भारतीय संगीत का कोई प्रोग्राम है उनका। जो अभी तक एक्टिविटीज हुई है सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? फौजी वाली जी। फौजी वाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके बच्चे हैं? हाँ, ये मेरी बेटी हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ये UKG में पढ़ती हैं दोनों। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस होगी या होनी अभी? नहीं, अभी होगी इनकी। होगी। अच्छा, क्या प्रिपेयर किया है इन्होंने? इनका डांस है एक। अच्छा, हेलो 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 हेलो, क्या नाम है आप लोगों का? राजीनी। आपका? राहिनी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? कौन से सॉन्ग पे? गाना बताओ। इनमें से तीन छात्र। गाना बताओ, कौन सा गाना है? शायद मैंने कल उनको टेलीफोनिक नहीं बता इन्विटेशन दिया था। चलो कोई बात नहीं, आपके पापा से बात कर लेते हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है? यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो है लगभग सारी, जैसे बच्चों को बैठने के लिए अच्छे बेंचेस हैं, प्ले ग्राउंड है जो कि आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, जो कि स्कूल में है प्रॉपर, बच्चे खेल कूद लेते हैं, और बस फैसिलिटी वगैरह लगाई हुई है बच्चों को, अच्छा है, फैकल्टी है, अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, जो कि इनके लिए अच्छी केयर करते हैं। सर, और आपके बच्चों के क्या क्या शौक है? इनके शौक तो अभी तो ये छोटे हैं, इनका गुड़ियों से खेलना है और डांस करना, सिंगिंग जैसे करती रहती हैं, बीच में गाती रहती हैं आपस में। तो सर, जैसे यहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है या नहीं? क्या मानते हैं आपको कि क्या मतलब मोटिवेशन मिलती है बच्चों को? हाँ, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, साथ में इनको यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस जो कि सभी की होती है, इंडिविजुअल हो रही है यहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जिससे बच्चे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनमें जो हेजिटेट है, एक स्टेज की फोबिया जो है वो थोड़ा दूर होगा। तो मेरा मानना है कि ये फंक्शन और भी कोई जो भी डे है वो सेलिब्रेट करने चाहिए, जैसे करते भी हैं लगभग सभी स्कूल्स में, और ये होने भी चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
सर, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्सीलेंस अवार्ड। दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चों को जो है वो कुछ थोपो मत अपने बच्चों पे। जो बच्चा आपका करता है उसको आगे करने दो, हो सकता है वो आगे कुछ अलग ही कर ले अपनी लाइफ में, जो आप हम लोगों ने एक्सेप्ट ना किया हो बच्चों से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज्यादा फोर्स ना किया जाए, बच्चों को उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी जीने दी जाए। बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को अपनी लाइफ जीने दो, जैसे क्या पता हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से जो चूज करें वो अच्छा ही हो उनके लिए। मैम वहाँ पे आप ये बताइए कि आप यहाँ पे फंक्शन में आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो अभी तक बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उसमें से कौन सी आपको बहुत अच्छी लगी? उसमें से भगत सिंह वाली बहुत अच्छी। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही हार्ट टचिंग थी। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे एकदम से। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी दी जाती है बच्चों को? बहुत अच्छी दी जाती है, कोई मतलब रिपोर्ट करने का कारण ही नहीं होता है। पढ़ाई बड़ी अच्छी है स्कूल में, बच्चों की देखभाल अच्छे से होती है, रिपोर्ट करने का कोई चांस नहीं मिलता है। मैम हमें ये बताइए कि जैसे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज भी तो होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, वो उससे जरा ये है कि बच्चों को भी थोड़ा ज्ञान भी मिलता है, उनमें कुछ हिम्मत भी आती है और उनको अपने कल्चर का पता भी लगता है। मैम यहाँ पे जैसे एनुअल फंक्शन है तो आप क्या मानते हैं कि हर स्कूल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है ना जी, उनको पता भी लगता है। अगर ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं तो बच्चों को क्या पता लगेगा? हाँ, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि मतलब बच्चों को जो है वो एक मंच मिल जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। हाँ, वैसे तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सीखना शुरू करते हैं। स्कूल जो है यहीं से वो मतलब सीखना शुरू करते हैं, तभी आगे बढ़ के वो कुछ करेंगे। हाँ जी। अच्छा मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को यही मैसेज देना चाहिए कि चलो ये जो स्कूल है वो अच्छा है, हर एक को पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में भेजना चाहिए। आजकल तो जमाना ही नहीं रहा वो पहले वाला। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक सेकंड में और एक यूकेजी में। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे मतलब आपकी पार्टिसिपेशन नहीं करी अभी? अभी नहीं हुई उनका फंक्शन। अच्छा, तो मतलब अभी परफॉर्म करना है उन्होंने? अच्छा, किस चीज में वो पार्टिसिपेट कर उनका कौन सा डांस? अच्छा, तो मैम यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो बच्चों को दी जाती है? यहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बाकी ग्राउंड खिलाया भी अच्छा जाता है और अदर एक्टिविटीज होती है उनमें भी अच्छे पार्ट करते हैं। तो मैम अभी तक जो परफॉर्मेंसेस हुई उसमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी? ये जो कवाली थी वो अच्छी लगी। अच्छा, जो मिला जो पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट्स अच्छी। तो मैम आप हमें ये बताइए कि जैसे यहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी उतने ही जरूरी हैं होना जितनी स्टडी है या? हाँ, बच्चे फंक्शन से भी ज्यादा सीखते हैं, उनको ज्यादा लर्निंग होती है उससे भी। जैसे ग्रुप में भी होंगे तो उनको लगेगा, अकेले भी उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टेज पे आके। क्या उन्होंने प्रिपेयर करा हुआ है? डांस में है वो, ग्रुप डांस में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो बच्चों को दी जाती है? फैसिलिटी सभी दी जाती है इधर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डांस, हर चीज मतलब सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जैसे जो फिजिकल एक्टिविटीज भी उतनी जरूरी है स्टडी के साथ? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। क्या मानते हैं कि क्या जैसे यहाँ पे फंक्शन हो रहा है वो भी उतने ही जरूरी है, क्या मानते हैं आप? बहुत जरूरी है फंक्शन, तो काफी कुछ सीखते हैं बच्चे फंक्शन से भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? आई रीडिंग सेकंड क्लास। आप? आई रीडिंग सेकंड क्लास। सब लोग सेकंड में ही हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज क्यों आए स्कूल में? फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? न्यू वर्ल्ड फंक्शन। एक तो मुझे पता है कि आज तो 25 जनवरी है ना, और क्या है आपके स्कूल में आज? फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एनुअल फंक्शन है। फंक्शन है। अच्छा, लग गया पता? पता था, बोलने नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने क्या परफॉर्म किया स्टेज पे? डांस। कौन से सॉन्ग पे? सरस्वती सरस्वती वंदना की।
अच्छा मुझे ये बताओ कि किसने प्रिपेयर करवाया आपका ये डांस? सर ने। सर ने। सर ने करवाया? वाह बहुत अच्छी बात है कि सर ने प्रिपेयर करवाया और आपने बहुत अच्छा, छोड़ो इसको, आपने जो है बहुत अच्छा डांस किया ना। तो मुझे ये बताओ कि और क्या क्या आता है आप लोगों को? डांस, पोइम, टेबल और पढ़ने आता है। पढ़ने आता है? गेम्स नहीं आती आपको? गेम्स भी आती हैं। तो वो तो आपने बोल ली नहीं। मैं नहीं खेलती गेम्स। क्यों नहीं खेलते हो? खेलना चाहिए ना, गेम्स भी खेलना चाहिए। और क्या क्या गेम्स खेलते हो यहाँ पे आप? क्रिकेट, कबड्डी, रेस। आप बताओ क्या क्या खेलते हो, बताओ बताओ बताओ। जिसने बताया वो ही खो खो। खो खो खेलते हो? और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल भी। फुटबॉल भी खेलते हो? एक पोएम सुनाओगे आप लोग? कौन कौन सुनाएगा? एक ही पोएम सुनाएंगे पर सब लोग इकट्ठे। डिसाइड कर लो कौन सी सुनानी है। सुनाओ। बात है, बहुत अच्छी पोइम सुनाई आपने। थैंक यू, मुझे आती नहीं थी, अब मुझे भी आ गई। ठीक है, थैंक यू। कौन सी क्लास में आप लोग? रीडिंग फोर्थ क्लास। और बॉयज लोग कौन सी क्लास में? थर्ड। थर्ड में है। अच्छा आपने क्या परफॉर्म किया यहाँ पे अभी स्टेज पे या करना है? कवाली। अच्छा बॉयज जो है उन्होंने कवाली स्टेज पे परफॉर्म करी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कवाली है वो सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कवाली करी, बहुत ही सुंदर करी, मुझे भी बहुत पसंद आई वो। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग क्या परफॉर्म कर रहे हो? पहाड़ी गिद्धा, पैट्रियोटिक डांस। अच्छा पहाड़ी गिद्धे में सॉन्ग्स कौन कौन से हैं? एक था सुनी ना हमारी गली। आपको पता है? बटने सिर था ना, करे हमारी गली क्यों आया, पंगड़े वाला। अच्छा अच्छा मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको सॉन्ग्स थोड़े बहुत पता है, बाकी नहीं पता कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको इसको किसने तैयार करवाया ये डांस? सर ने। सर ने। मुझे एक बात बता दो लास्ट कि एक्साइटेड कितना हुआ आप अपनी परफॉर्मेंस को लेके? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बात ही नहीं बनी, जोर से बोलोगे, जितना जोर से बोलेगे उतना मतलब आप में जोश होगा, उतना ज्यादा जोश होगा। अच्छा सब लोग इकट्ठे बोलोगे कितना एक्साइटेड हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके? बहुत अच्छा। बिल्कुल भी बात नहीं बनी, बहुत अच्छा। हाँ अभी थोड़ी बहुत बात बनी, अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लग रही है। मुझे दे दोगे ये सूट? यस मैम। दे दोगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी क्या परफॉर्म किया आपने स्टेज पे? डांस किया, कौन से सॉन्ग पे? बंगड़िया। अच्छा आप फर्स्ट क्लास में हो ना आप लोग, पोइम आती है आप लोगों को? कौन सी पोइम सुनाओगे? एक पोइम सुननी है मैंने आप सबसे। एक लोहड़ी आती है, लोहड़ी जलेगी, अब मैंने पोइम सुननी है आप लोगों से। पोइम सुना दो एक, चलो आप सुना दो फिर। रे रेन गो अवे कम दे नदर लिटिल जॉनी बांग शू प्ले रे रेन गो अवे। थैंक यू। अब आप लोग सुनाओ, हिंदी में सुननी है मैंने, पर मुझे लग रहा है हिंदी में नहीं आते इनको, इंग्लिश में आते। चलो इंग्लिश में सुना दो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और कौन सी एक, जॉनी जॉनी यस पापा, इन दोनों में से कोई भी सुना दो। जॉनी जॉनी यस पापा, आईडी शुगर ना पापा, टैरिंग नाइन ना पापा, अपने माँ हा हा हा। थैंक यू। हेलो, इन्होंने बात ही नहीं करनी मुझसे, मुझे लग रहा है गुस्सा हो गया मुझसे। कौन करेगा मेरे से बात? आप कर लोगे?
हेलो हेलो थैंक यू. क्या नाम है आपका? अमायरा. हाँ अमायरा. अमायरा बहुत ही सुंदर नाम है आपका. अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी. यूकेजी में पढ़ते हो. अच्छा आपने क्या किया अभी स्टेज पे जाके? मुंह में नहीं डाल रहा. अच्छे से बोलो बताओ. डांस किया? यस मैम. मैंने देखा आपका डांस बहुत सुंदर किया आपने. अच्छा आपको कोई पोइम आती है? सुनाओगे मुझे? सुनाओ फिर. तितली बस पे चली जावन मोर, आजा मेरे पास तितली उड़ मैं चली. और तो आती नहीं है. चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी पोइम सुनाई आपने. थैंक यू. आपको आती है पोइम? मैं जी चुके आ रही आती है. सुना दो फिर. आ सोमवार चुगे को खा चुगा गेटे बाद उठे लाचे चुगा लगे. थैंक यू. आप भी सुनाओगे? चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ. सुनाओ मेरे को पोइम. तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चढ़ा कर लखन ले जाती है, उसे पक में जाऊं तो वो झकझोर उठ जाती है. थैंक यू. आप भी सुनाओगे? जो रोटी हो बिटिया रानी, खा लो लड्डू पी लो पानी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बात मान लो बिटिया रानी. थैंक यू. सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको बातें देख कर हम लल जाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाती नहीं सिखलाती. थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छी पोइम सुनाई आपने. बहुत अच्छे बच्चे आप, फ्रेंड क्लासेस के बच्चे. अभी हम यहाँ पे इनसे जानते हैं कि क्या परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे और कितने दिन लगे इसको प्रिपेयर करने में. हेलो. हेलो. अच्छा क्या परफॉर्म कर रहे हो आप स्टेज पे? हम नाटी करने जा रहे हैं. अच्छा ठीक है, आप नाटी कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या सॉन्ग्स हैं उसमें नाटी में. मैम इसमें पिंक प्लाजा सॉन्ग है और एक राम प्यारी सॉन्ग है. और सही पकड़ है और नाट और राम प्यारी. आप लोग कौन सी क्लास में? मैं नाइन्थ क्लास में हूँ. बाकी सब कौन सी क्लास में हूँ? आप नाइन्थ सिक्स सेवन्थ. अच्छा ये हमारे साथ बॉयज लोग भी हैं, ये भी नाटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसको नाटी को प्रिपेयर करने में आपको कितने दिन लगे? सात आठ दिन. अच्छा किसने प्रिपेयर करवाया आपका ये नाटी डांस? निशा मैम ने. अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है. कितना अच्छा? बहुत अच्छा. मस्ती करते हो? यस. गेम्स खेलते हो? जी. कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? आप बोलो. स्कूल में कि फोन में? फोन पे नहीं, फोन को छोड़ दो साइड में. स्कूल में कौन सी? स्कूल में हम कबड्डी वगैरह खेलते हैं और बैडमिंटन. बस बास्केटबॉल? वॉलीबॉल. बास्केटबॉल नहीं, वॉलीबॉल खेल. तो यहाँ पे जो है स्कूल में और कौन कौन से फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट करते हो आप लोग? वो सभी किए जाते हैं, जैसे क्रिसमस वगैरह, लोहड़ी भी मनाते हैं हम, ईद वगैरह को छुट्टी होती है तो. अच्छा आज आपका एनुअल फंक्शन है ना, उसके लिए कितना एक्साइटेड हो? बहुत. आवाज ही नहीं आई. बहुत. बिल्कुल भी आवाज नहीं आई. बहुत. हाँ ये वनी ने बात. और गर्ल्स कितनी एक्साइटेड है वो मुझे बताएंगी? गर्ल्स लड़कों से ज्यादा एक्साइटेड है. बॉयज इतने एक्साइटेड नहीं है, गर्ल्स ज्यादा एक्साइटेड है. थैंक यू सो मच. तो हमारे साथ है अब यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग और खास करके महात्मा गांधी. तो हम उनसे जानेंगे कि उनको महात्मा गांधी बन के कैसा लग रहा है. आपको महात्मा गांधी बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. कितना अच्छा? बहुत अच्छा. बोले बहुत अच्छा. अच्छा आप क्या बने हो? मुसलमान. मुसलमान. आप? कृष्णा. आप? पंडित. आप? अच्छा और आप क्या बने हो? सिख. सिख बने हो. तो पगड़ी कहाँ है सिख की भाई? पगड़ी नहीं लगाई है. चलो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो आप लोग, सब लोग अच्छे लग रहे हो. अच्छा क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो आप स्टेज पे अभी? स्किट कर रहे हो? गांधी स्किट. गांधी स्किट. अच्छा चलो. अच्छा ठीक है, अच्छे से देना अपनी परफॉर्मेंस. और मुझे ये बताओ कि इसको प्रिपेयर करने में कितने दिन लगे आपको? 5-6. किसने प्रिपेयर करवाया ये? रीना मैम. रीना मैम.
अच्छा आपको किसने बोला कि इसी इसके ऊपर स्किट करो आप लोग? नीना मैम। नीना मैम ने। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात, लास्ट क्वेश्चन की कितना एक्साइटेड हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके? बहुत। बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आई। अगर अगर बहुत एक्साइटेड हो तो फिर बहुत जोर से बोलोगे ना आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जोर से। बहुत ज्यादा। हाँ ये वही ना बात। थैंक यू। नमस्कार मैम। आज आप यहाँ पे एनुअल फंक्शन में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जो अभी तक यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उसमें सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? सभी अच्छी हैं, बट जो महादेव के ऊपर थी वो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा सर आप हमें ये बताइए कि जैसे यहाँ पे एनुअल फंक्शन है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए या नहीं? या फिजिकल एक्टिविटीज तो काफी है, जैसे स्पोर्ट्स पे है। आई थिंक स्कूलों में अब लास्ट सैटरडे फोर्थ सैटरडे जो वो स्पोर्ट मीट रखी हुई है उसमें अदर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स है, क्विज कॉम्पिटिशन है, तो ये मे बी हर स्कूल में चलता है, तो यहाँ भी होता होगा। और छोटे छोटे नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर वो तो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। सर आप हमें हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को यही है कि इनको और क्लैपिंग करके इनका थोड़ा उत्साह बढ़ाना चाहिए बच्चों का। और बाकी मैं MD सर शीतल मॉडल स्कूल के श्री रमेश चंद शर्मा जी को और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे विक्रांत सर, इनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस और इतना अच्छा गैदरिंग देख के लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्कूल के चेयरमैन, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश शीतल शास्त्री है। सर हमें ये बताइए कि जैसे आज एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो और कौन कौन से फंक्शन जो हैं इसके अलावा आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? यहाँ जो स्थापना दिवस है वो 16 अप्रैल वो भी मनाया जाता है और हर प्रत्येक मास के एक दिन में यहाँ बच्चों को हवन करवाया जाता है। सर अनुसार और बड़े अच्छे ढंग से मतलब अपनी संस्कृति को स्थापित रखने के लिए उसका पिछले 10 साल से बराबर चल रहा है। सर इसको स्कूल को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? ये 1984 से चल रहा है, 16 अप्रैल 1984 से चल रहा है, लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो दे रहे हैं? यहाँ हम बच्चों को एक तो सत्य और सदाचार से जुड़ी हुई जो संस्कृति हमारी भारतीय है उसी के आधार पर हम एक गुरुकुलम की तरह शिक्षा देने की पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके साथ हम बच्चों को अन्य गतिविधियां जैसे खेलने हैं उनमें भी सभी खेलों में लगभग इनको पूरा समय भी देते हैं बीच में और अध्यापक भी वैसे उसी आधार पर हमने रखे हुए हैं। और सर आप क्या मानते हैं कि बच्चों को जैसे स्टडी है वो भी कर रहे हैं साथ में फिजिकल जो एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है? फिजिकल तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक हो सकता है किसी भी देश का, तो बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का या फिजिकली स्वस्थ होना तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए योगा का हम बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ 2-3 बार शिविर भी लगा चुके हैं बच्चों के और उनको काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं हर तरह से। सुबह 7 बजे से मैं तो गायत्री मंत्र का, जो भी बच्चे जो ही आना शुरू होते हैं तो अपने अपने कमरे में वो गायत्री मंत्र से, और मैं लगभग 30 वर्ष मैंने सरकारी नौकरी भी किया है, सेवानिवृत्त हूँ 2015 से, तो उसमें से बीच में जब जब भी समय लगा है तो सरकारी के साथ साथ ये निजी स्कूल को भी साथ साथ देखते रहा हूँ। और इसके साथ ही एक दूसरा स्कूल हमने चलाया हुआ है इसी के साथ 1986 में चल रहा है शीतल मॉडल स्कूल पट्टा, वो भी मेरे द्वारा ही स्थापित किया गया, उसका स्थापक भी मैं स्वयं हूँ। सर जैसे एनुअल फंक्शन करवा रहे हो आप या और कोई भी अदर फंक्शन जो है वो करवाते हैं तो आप क्या मानते हैं कि क्यों किस लिए करवाते हैं ये बच्चों के लिए? बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा
उत्साह जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और वो वीरता जैसे ये अभी आप देख रहे थे कितनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ जो हम आज़ाद देश की देना देखना चाहते हैं स्वतंत्र भारत की, वो सभी बच्चों को इन छोटी छोटी प्रस्तुतियों से या अध्यापक का जो दिनचर्या का जो शिक्षा का एक ढंग होता है उसी से वो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। सर हमें अभी जो एक्टिविटीज़ की बच्चों ने उसमें से कौन सी जो है वो आपको बहुत पसंद आई हो? लगभग हमने तो बहुत चूज़ करके ये सभी प्रस्तुतियाँ रखी हुई थी, तो जैसे बच्चों के लिए ये जैसे भगवान से जुड़ा हुआ जैसे अभी शंकर की एक भगवान शंकर की प्रस्तुति थी, या उससे पहले एक भक्त सिंह स्वतंत्रता से जुड़ी हुई भक्त सिंह आज़ाद की, और वो चंद्रशेखर राजगुरु इन सब की जो प्रस्तुतियाँ बीच में आई वो बहुत ही शिक्षाप्रद हैं सारे समाज के लिए। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो पिछले 700-800 वर्ष से पीछे जो हम अंग्रेज़ों के द्वारा या उससे भी पहले हम मुसलमानों से जो हताहत हुए हैं या जितने भी हमारे संस्कार जो हैं वो खोए हैं उन्हें हम दोबारा पुनर्स्थापित कर सकें और एक गुरुकुलम की तरह हम इस शिक्षा को दे सकें, ऐसा मेरा प्रेरणा है, थोड़ा ऐसी सोच है मेरी कि ऐसा हम करेंगे और ऐसा दृढ़ निश्चय से चल रहे हैं हम। सर आपको यहाँ पे आके आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर यहाँ पे एनुअल फंक्शन में जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर आपको कौन सी जो है वो बहुत अच्छी लगी हो? मेरे जो स्वच्छता अभियान वाला जो था ना, स्वच्छता के ऊपर जो नाटक लगा था वो काफी इम्प्रेसिव था। और कोई बहुत अच्छी लगी हो है? और कोई एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी हो? और कोई उसके अलावा? उसके अलावा जो एक सैनिकों के ऊपर था और एक देशभक्ति का जो फांसी वाला जो सीन दिखाया था वो काफी अच्छी प्रस्तुति। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप दर्शकों को? दर्शकों को मैसेज, दर्शकों में मैसेज देना ये चाहता हूँ कि जो बच्चे जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो अपने बच्चों को जो आजकल एक तो नशे से दूर रखें और दूसरा जो बच्चों को ज़्यादा मोबाइल यूज जो कर रहे हैं बच्चे उससे बच्चों को थोड़ा दूर रखें उन चीज़ों का, जो बच्चे जो हैं वो बच्चों को नहीं दें जब तक वो 18-20 साल की जब कॉलेज जाने की स्टेज में जब तक नहीं आते तब तो बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। मेरा ऐसा है कि इससे काफ़ी जो बच्चे मोबाइल देखते रहेंगे है ना तो फिर वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान कम होगा, बाकी चीज़ों की तरफ उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ। अब आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में क्या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे गेम्स वगैरह आ रही हैं, गेम्स वगैरह और फिर कई चीज़ें है ना जी। तो मेरा ऐसा है कि ऐसा इसे अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। सर जैसे बच्चों के लिए जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या मानते हैं आप? जितनी पढ़ाई जरूरी है उतने ही बाकी जो एक्टिविटी है गेम्स है या फिर और कई कंपटीशन है, जैसे कोई क्विज कंपटीशन हो रहे हैं आजकल, कोई साइंस क्विज कंपटीशन है ना, तो उनमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए।